हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो लेक्चर पर हम आगे बढ़ते हैं हमारी एमएससी केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट पे जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट जैसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री ओके अब देखो ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री का अभी हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर फर्स्ट और इस लेक्चर नंबर फर्स्ट पे हम पर्टिकुलरली न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट को कवर करने वाले हैं okay? ओके तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट में सिंपली आपको दो ही टॉपिक कवर करने हैं और वो दोनों टॉपिक क्या है वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं देखो पहला टॉपिक जो आप यहाँ पे कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर वो है आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके ओके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके मतलब देखो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव डिके का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इस रेडियो एक्टिव डिके के लिए आपको एक लॉ डिराइव किया जाता है और इसके लिए एक इक्वेशन भी डिराइव की जाती है तो वही चीज आपको ये पहले टॉपिक के अंदर पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके के लिए जो लॉ

हम पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जिसपे आपको आगे तक डिस्कशन लेना है ओके तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे उसके बाद हम हमारा पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट के अंदर जो है आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके यानी कि रेडियो एक्टिविटी डीके का लॉ क्या बोलता है काफी आसान लॉ है और इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव करनी होती है वो इक्वेशन डिराइव करना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है उसके बाद हम लेक्चर नंबर सेकंड पे हमारा सेकंड टॉपिक यानी कि गीगन नटल रूल पे डिस्कशन लेंगे तो अभी हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पे देन हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पे बात करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करें चलिए ओके okay? तो फर्स्टली यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है देखो मैंने यहाँ पर कोई ऐसे टॉपिक एड किया

तो हम इस एटम को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं एक तो न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया यानी कि पहला पार्ट है आपका द न्यूक्लियस जो कि क्या कंटेन करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंटेन करता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो किसका होता है इलेक्ट्रॉन का होता है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पूरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन का ठीक है तो ये बोल रहा है जनरली हम एक एटम को दो पार्ट में कंसिस्ट करते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं पहला पार्ट हो गया आपका न्यूक्लियस दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटोन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं ये चीज हमको पता है तो हमने एक एटम को इन दो पार्ट में क्लासिफाई किया ओके okay, ये तो बेसिक है ओके okay? अब ये बात आती आती है आइसोटोप की क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग आइसोटोप के रिस्पेक्ट में जनरली बात करते हैं तो आपको पता है आइसोटोप क्या होता है मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन में ये ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूं, कि ये बोल रहा है आइसोटोप क्या है तो ये बोल रहा है ना किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप क्या होगा वो स्पेसीज हुई जिसके पास क्या होता है सेम नंबर के प्रोटॉन्स तो है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोन तो उसके अंदर सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है यानी कि आपके पास कोई दो एक एटम की दो स्पेसीज है उन दोनों स्पेसीज में क्या है नंबर ऑफ प्रोटोन तो बिल्कुल सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है डिफर कर रहे हैं तो वो दोनों स्पेसीज, एक पर्टिकुलर एटम की क्या कहला जाती है आइसोटोप कहलाई जाती है और इसी आइसोटोप के बेसिस पर हमने आगे कुछ चीजें डिस्कस करनी है है तो ये ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा मोस्ट ऑफ द आइसोटोप आर अकर नेचुरल ये जो आइसोटोपिक फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट की ये क्या होती है जनरली नेचुरली अकर करती है वो मैन मेड नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेज में वो क्या होती है नेचुरली होती है और किसी भी एलिमेंट के जो नेचुरल आइसोटोप होते 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 हैं वो generally क्या होते हैं stable isotopes होते हैं वो वो क्या क्या यानी कि होती होती है 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 और आपको पता, आपको पता सारी चीजें ही तो चाहिए अगर कोई अनस्टेबल है इटमीन्स वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इतनी चीज क्लियर आ रही ना तो वही चीज बोल रहा है कि आपको आइसोटोप पता चल गया एक ही एलिमेंट सपोज आपके पास दो एलिमेंट एक एलिमेंट है एलिमेंट की दो स्पीसीज आपके पास है और इन दोनों में आपको देखने को क्या मिल रहा है ये दोनों सारे चीजों से सेम है लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये दोनों स्पीसीज क्या हो गई आइसोटोप और अगर ये स्पीसीज क्या है नेचुरली अकर कर ये आइसोटोप जो है वो नेचुरली अकर करते हैं इट मीनस ये आइसोटोप आपके क्या होंगे एक टाइप के स्टेबल आइसोटोप होंगे लेकिन अगर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ आइसोटोप क्या होता है मैनमेड होता है यानी कि वो नेचुरली अगर नहीं कर रहे है, आपने उसे बनाया ह्यूमंस ने उन आइसोटोप्स को जनरेट किया है तो जनरली क्या देखा जाता है ऐसे आइसोटोप जो मैनमेड होते हैं जो ह्यूमंस के थ्रू जनरेट किए गए होते हैं ऐसे आइसोटोप क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं वेरी अनस्टेबल होते हैं ओके तो मैंने क्या बोला अगर कहीं पे भी अनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पर को का कोई गड़बड़ होती है क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फर्दर रिएक्शंस होती है ठीक है जैसे आप पढ़ते हैं ना आपके एलिमेंट जो आपके एलिमेंट के अंदर एटम है वो जनरली बोलने के लिए क्या किया जाता है कि वो कब रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो अनस्टेबल होते हैं तब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जैसे नोबल गैसेस है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम जनरली मतलब ऐसा होता नहीं है जो इनिशियल टाइम केमिस्ट्री का रहता तब वो चीज डिस्कस की गई थी कि

तो वो आइसोटोप जो मैनमेड है जो ह्यूमंस ने जनरेट किया वो आइसोटोप क्या होता है कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते वो आइसोटोप क्या होता है अनस्टेबल अब ये अनस्टेबल है इसी के वजह से आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आगे को बढ़ रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियर आइसोटोप्स है इन अनस्टेबल आइसोटोप को क्या है स्टेबल करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट करते हैं वो होता है रेडियो एक्टिव डीके का ओके okay? हमको क्या करना होता है ये बोल रहा है अनस्टेबल आइसोटोप बिकम स्टेबल बाय रिलीजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल ठीक है तो आपका जो अनस्टेबल आइसोटोप है ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल है तो अपने आप को क्या करेगा स्टेबल करेगा वरना ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा अनस्टेबल है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा फर्दर कुछ ना कुछ काम करना होगा तो वो काम क्या है 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 ये ये बोल रहा आपका जो अलग-अलग के particle अपने आप से तो मतलब रिलीज करता है और रिलीज करने का रीजन क्या है ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका अनस्टेबल आइसोटोप अपने आप से क्या है अलग अलग टाइप की पार्टिकल्स निकाल रहा है रिलीज कर रहा है ये पार्टिकल क्या है कैसे रिलीज हो रहा है वो हमें आप

इक्वेशन आपने आगे को डिस्कस करवानी है ठीक है तो इतनी चीज समझे और क्या बोल रहा फिर ये बोल रहा एंड द एलिमेंट विच अंडर गोज टाइप ऑफ नोन एज रेडियो आइसोटोप या फिर आप बोल सकते हैं रेडियो एलिमेंट ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है और वो आइसोटोप जो ये रेडिएशन मतलब ये जो डिके करा रहा है रेडियो एक्टिव डीके करा रहा है उस टाइप के आइसोटोप को आप क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप और रेडियो एक्टिव डीके होने के बाद डीके होना मतलब डिकम्पोज होना टूटना यही तो हुआ ना रेडियो एक्टिव डिके मीन आपका एक अनस्टेबल आइसोटोप था ये अनस्टेबल आइसोटोप ने क्या अलग अलग टाइप की यहाँ से क्या किया अपने सर्फेस से क्या किया अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स निकाले और पार्टिकल निकालने के बाद ये क्या कर गया, कर गया।, कर गया मतलब ये टूट गया डिकम्पोज हो गया तो डिकम्पोज होने के बाद ये जो पार्टिकल आपको दिखाएगा ये पार्टिकल को आप क्या बोलते हैं डॉटर इतनी चीज क्लियर है, है। यानी कि ये जो पेरेंटल आइसोटोप है इसे आप बोलते हैं रेडियो आइसोटोप जो अपने जो इनिशियली क्या होगा अनस्टेबल होगा वेरी अनस्टेबल होगा क्योंकि ये मैन मेड है अनस्टेबल है? है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को अपनी सर्फिस से एमिट uh, uh, करते हैं रिलीज करते हैं और इस रिलीज होने के बाद यहाँ पर डिके होता है डिके में क्या होता है आपके पास एक से ज्यादा डिकीन डिकम्पोज होगा तो आपके पास अलग अलग टाइप के स्पीसीज uh, आपको मिलेंगी अलग अलग टाइप के आइसोटोप मिलेंगे ये जो आइसोटोप आपको यहाँ पे ऑप्टेन होंगे इनको बोलते हैं डॉटर आइसोटोप इसी चीज क्लियर आई तो ये जो

और जनरली हमारी जो आइसोटोप होती है वो मैनमेड भी होती है और नेचुरल भी होती है जो नेचुरल आइसोटोप होंगी वो तो स्टेबल होंगी बट मैनमेड आइसोटोप जो वो होंगी वो अनस्टेबल होंगी मैनमेड आइसोटोप अगर अनस्टेबल है तो वो अपने आप को स्टेबल करेंगे स्टेबल कैसे करेंगी कुछ पार्टिकल को रिलीज करके तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है जिसमें आपका अनस्टेबल आइसोटोप अपने को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ पार्टिकल को रिलीज करता है ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके जैसे आपको नाम से पता चल रहा है यहाँ पर डिके हो रहा है यानी कि डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो सब्सटेंस, वो आइसोटोप जो इनिशियली अनस्टेबल थी जो रेडियो एक्टिव डिकी का प्रोसेस शो कर रही है उस स्पीसीज को उस आइसोटोप को आप बोलते हैं रेडियो आइसोटोप और जब वो स्प्लिट करेगी जब वो डिके करेगी तो आपको जो आइसोटोप मिलेगा स्टेबल आइसोटोप जो आपको होगा उसे आप बोलते हैं डॉटर आइसोटोप इतनी चीज क्लियर आई तो यहां से आता है आपका रेडियो एक्टिव का ओके अब देखो, अब देखो मैंने आपको प्रॉपर वे में में डेफिनेशन के फॉर्म ये तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी अब एक प्रॉपर वे में मैंने आपको यहाँ पे एड की हुई चीजें तो ये बोल देखो अब ये आगे क्या बोल रहा ये बोल रहा है वट इज रेडियो एक्टिव डिके तो देखो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है रेडियो एक्टिव लॉक वो एक्सप्लेन करो उसकी इक्वेशन एक्सप्लेन करो तो ऑब्वियस बात है पहले आप डीके को एक्सप्लेन करेंगे कि डिके होता क्या है उसके बाद लॉ पे जाएंगे देन इक्वेशन पे जाएंगे तो आप बाय डेफिनेशन यहाँ पे ये डिके को एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं बहुत आसान है आप जस्ट सुनिए ये बोल रहा है फर्स्टली तो ये समझो कि रेडियो एक्टिव डिके को क्या है अलग अलग टर्म से और जानते हैं ठीक है तो रेडियो एक्टिव डिके बोलो या फिर न्यूक्लियर डिके बोलो बात सेम है रेडियो एक्टिव डीके बोलो या फिर रेडियो एक्टिविटी बोलो बात सेम है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या फिर, या फिर बोलो सेम है, कि इस अब बाईन रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है तो बहुत आसान है ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है रेडियो एक्टिव डिके इज अ प्रोसेस बाई विच अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लियाई लॉस एनर्जी बाय रेडिएशन मतलब ऐसी प्रोसेस है रेडियो एक्टिव डिके जिसमें आपके पास जो देखो यहाँ पे पहले जो आप आइसोटोप आइसोटोप करते थे ना उस आइसोटोप की यहाँ पे आप न्यूक्लियाई की बात करें ठीक है तो यहाँ पे आप न्यूक्लियाई टर्म का यूज करेंगे तो ये बोल बोला रेडियो एक्टिव डिकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ एनर्जी का लॉस करती है कुछ पार्टिकल का लॉस करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जिसकी वजह से आपकी अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लियाई स्टेबल में कन्वर्ट हो जाती है ऐसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिकी आसान था आगे सुनिए अभी और एक्सप्लेन करूंगी आगे ये बोल रहा है अ मटेरियल कंटेनिंग अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लाइ कंसीडर एज अ रेडियो एक्टिव यानी कि वो मटेरियल जो इस अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लाइ को कैरी करेगी जिसके अंदर ये अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लाइ प्रेजेंट होगा ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल जो रेडियो एक्टिव डीके के प्रोसेस को शो कर सकता है ऑब्जर्व कर सकता है ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल और कौन सा मटीरियल आपका मतलब कौन सा जो मटीरियल है वो रेडियो एक्टिव डिकी का प्रोसेस को शो करेगा कर? जिसके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो वो मटीरियल जिसके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है ऐसे मटीरियल को हम क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल ओके यानी कि जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है क्योंकि उनके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है और वो उस अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टेबल करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे रेडियो एक्टिव डिक्की का प्रोसेस यूज करेंगे तो उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल इतनी चीज क्लियर है तो सिंपली आप यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके के कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन बोलेंगे आप बोलेंगे आपके पास क्या था इनिशियली अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लिय थी यानी कि ऐसी न्यूक्लिय आई आपके पास प्रेजेंट थी क्योंकि अनस्टेबल थी ओके okay? अब आपको क्या करना है इस अनस्टेबल न्यूक्लिय को कन्वर्ट करना है ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल तो एग्जिस्ट करेगी नहीं इस अनस्टेबल न्यूक्लिय को आपने किस कन्वर्ट करना है स्टेबल एटमिक न्यूक्लिय में कन्वर्ट करना है स्टेबल एटमिक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना है तो यहां पे कन्वर्जन कैसे होगा होगा क्या कि ये जो आपकी अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लियाई है फर्स्टली कि ये अनस्टेबल एटमिक फर्स्टलीटमिक जिस मटेरियल के अंदर nuclei तो सिंपली प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं होगी होगी किसी मटेरियल के अंदर ही तो present तो वो मटेरियल जो इस टाइप की मटीरियल को कैरी करेगा उसे आप बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल यानी कि इस रेडियो एक्टिव मटीरियल में आप क्या कराएंगे इसमें कराएंगे रेडियो एक्टिव डिके ओके रेडियो एक्टिव डिके क्या बोलता है ये बोलता है कि इस रेडियो रेडियो एक्टिव मटीरियल से आपने क्या करना है कुछ एनर्जी को बाहर रिलीज कराना है कुछ पार्टिकल को पहाड़ रिलीज कराना है जैसे आप इससे एनर्जी को रिलीज कराएंगे तो आप ऐसा समझ सकते हैं ना अनस्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है एक्सेस ऑफ एनर्जी की वजह से होती है बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से होती है तो अगर आप इस अनस्टेबल स्पीशीज से एनर्जी को बाहर निकालेंगे तो इसकी एनर्जी डाउन चली जाएगी और एनर्जी कम होना मतलब स्टेबिलिटी होना तो जैसे आप अपने अनस्टेबल मटेरियल से आप क्या करेंगे या फिर आप बोल सकते रेडियो एक्टिव मटीरियल से एनर्जी का लॉस करेंगे या फिर कुछ पार्टिकल को बाहर निकालेंगे रेडिएशन की फॉर्म में तो इस अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लियाई का कन्वर्जन किस में हो जाएगा स्टेबल एटमिक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रोसेस को इसी सिंपल सी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके की प्रोसेस ओके और यहाँ पर को किस टाइप के पार्टिकल आपके बाहर एमिट हो रहे हैं आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल से उसके बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप का रेडियो एक्टिव डिके देखने को मिलता है ओके तो जनरली पर लिखा है वैसे तो इस, इससे भी ज्यादा यहाँ पर जनरली हम लोग तीन टाइप के रेडियो एक्टिव डिके की बात करें जो की सबसे ज्यादा कॉमन है इनके अलावा भी और टाइप के डिके भी होते हैं बट तीन कॉमन डिके को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पहला डिके है अल्फा डिके दूसरा है बीटा एंड थर्ड वन

इसी के सिमिलर अगर आपने गामा रे के प्लेस में यहाँ पर बीटा रे, रे का एमिशन किया अपने रेडियो एक्टिव मटीरियल से रेडियो एक्टिव सैंपल से गामा रे को बाहर बाहर एमिट एमिट किया गामा रे बाहर एमिट होने की वजह से आपका अनस्टेबल एटमिक एटमिक स्टेबल अनस्टेबलिया में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे जो डिके हुआ उसे आप बोलेंगे गामा डिके और इसी के सिमिलर अगर आपने अल्फा रे को अपने रेडियो एक्टिव मटीरियल से बाहर एमिट किया जिस वजह से आपका अनस्टेबल एटमिक न्यूक्लिया स्टेबल एटमिक न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे जो डिके होगा इसे आप बोलेंगे अल्फा डिके ओके तो ये तीन टाइप का डिके बहुत कॉमन टाइप के डिके होते हैं रेडियो एक्टिव डिके के अंदर जिसको हम आगे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद हम पर्टिकुलरली लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड इसके इक्वेशन पे बात करेंगे ठीक है तो बहुत आसान है तीन टाइप के डिके आप जिस सुनते रहिएगा ठीक है तो अब अल्फा डिके आपको क्या बोलता है ठीक है तो तीनों टाइप के डिके मैं आपको एक एक्जाम्पल के साथ बताऊंगी बहुत आसान है आप जिस ध्यान से सुनेगा ठीक है तो देखो अल्फा डिके आपको क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अल्फा डीके मतलब क्या हुआ है अल्फा डिके इंक्लूड द डिके बाय द अल्फा पार्टिकल यानी कि ऐसा रेडियो एक्टिव डिके जो किसकी वजह से हो रहा हो अल्फा पार्टिकल की वजह से हो रहा हो ऐसे डिके को आप बोलेंगे अल्फा पार्टिकल तो देखो यहाँ पे क्या दिखा है ये बोल रहा है एक्स अभी मैं एक सिंपल सा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके बोल रही हूँ कि हमारे पास एक एक्स एक स्पेसिज है एक्स एटम एक 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 है इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो अनस्टेबल है इस वजह से एटम भी मेरा क्या अनस्टेबल है है ओके अब इसमें मैंने लिया तो एक्स तो कोई एलिमेंट है नहीं ना तो हमने क्या है इसका जो मास नंबर और नंबर और एटमिक है उसको भी हमने क्या लिया है सिंपल, मतलब कोई वैल्यू नहीं लिया है मैंने बस मास नंबर को ए कर दिया और एटमिक नंबर को क्या कर दिया जेड कर दिया ओके अब ये जो स्पेसिज है, है तो मेरी अनस्टेबल अब मुझे क्या करना है इसे स्टेबल वन में कन्वर्ट करना है और स्टेबल कैसे कन्वर्ट स्टेबल कैसे करना है बाई य अल्फा डिके ठीक है तो ये बोल रहा है अल्फा डिके आप कैसे

एटमिक नंबर देखेंगे तो टू और मास नंबर देखेंगे तो फोर ओके तो ये जो हीलियम न्यूक्लियस है ये किसके इक्वल है एक अल्फा पार्टिकल के इक्वल है अल्फा के बदले गामा लिख दिया एक मिनट ये एक अल्फा पार्टिकल के इक्वल है इतनी चीज क्लियर है ये आपके अल्फा पार्टिकल के इक्वल है ओके अब आप क्या करेंगे देखो मैंने क्या किया अनस्टेबल था इसको स्टेबल करना है अल्फा -e पार्टिकल निकालू या फिर एक हीलियम न्यूक्लियस निकालू बात बराबर है तो मैं क्या करती हूँ अल्फा में नी उलझती हूँ मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक हीलियम न्यूक्लियस को बाहर निकाल रही हूँ तो मैं हीलियम न्यूक्लियस को बाहर निकालूंगी तो क्या होगा इससे मैंने हीलियम को माइनस कर देना है ठीक है तो देखो एक्स का यहाँ पर हमने मास नंबर लिखा है ये मैंने एटमिक नंबर लिखा है ठीक है और हीलियम का मास नंबर है फोर और एटमिक नंबर है टू तो मेरे को अगर यहाँ से हीलियम को बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगी Z में से टू माइनस कर दूंगी A में से फोर माइनस कर दूंगी जो इस मेरी बचेगी वो मेरी क्या होगी हीलियम को माइनस करके होगी तो देखो मैंने क्या किया ये X था इसको मैंने कन्वर्ट किया Y में जब इसमें रेडियो एक्टिव डिके हुआ और यहाँ पर अल्फा डिके हुआ है तो मैंने हीलियम को निकाला कैसे निकाला a यानी कि मास नंबर जो पहले a था उससे मैंने कितने को को माइनस माइनस किया हीलियम के मास नंबर यानी कि कन्वर्ट होगी और, तो हो और यहाँ पे जो मुझे, वाई वो मुझे स्टेबल एटमिक मिलेगा यानी कि स्टेबल न्यूक्लियाई यहाँ पर मुझे ऑप्टेन होगी तो देखो अनस्टेबल न्यूक्लियाई को मैंने स्टेबल वन में कन्वर्ट कर दिया कैसे किया अल्फा डीके से और मेरे को पता है अल्फा डीके किसके इक्वल होता है हीलियम एटम के इक्वल होता है तो मैं सिंपल वे में क्या करूंगी जब मुझे अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके करना होगा तो मैं हीलियम एटम को बाहर निकालते रहूंगी जो प्रसिज मुझे मिलेगी वो अल्फा डीके से ऑप्टेन होगी जो कि एक टाइप के स्टेबल न्यूक्लियाई हमको मिलेगी इतनी चीज क्लियर आई अब देखो मैं एक एक्जाम्पल से आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आप मे बी कंफ्यूज हो रहे हो आप जिस एग्जाम्पल देखो ठीक है हमने यूरेनियम का एग्जाम्पल लिया है 234 थर्टी फोर यूरेनियम का एग्जाम्पल कि ऐसा यूरेनियम जिसका मास नंबर कितना है टू थर्टी फोर आइसोटोफा ठीक है तो हुआ क्या देखो यूरेनियम हमने लिया मास नंबर आपका हो गया टू थर्टी फोर एटमिक नंबर हो गया आपका नाइनटी टू ठीक है इस पर हमने क्या कराना है अल्फा डीके कराना है मैंने बोला अल्फा डीके किसके इक्वल होता है हीलियम के इक्वल होता है यानी कि अगर आपने अल्फा डीके इसमें कराना है तो आप इससे हीलियम न्यूक्लियस को बाहर निकाल दो हीलियम न्यूक्लियस कब निकलेगा जब इसका माइनस इसका जो मास नंबर है यूरेनियम का इससे आप किससे माइनस करेंगे फोर मतलब हीलियम का मास नंबर आप बाहर निकालेंगे क्योंकि आप हीलियम को बाहर निकाल रहे हैं तो और आपका जो एटमिक नंबर है 92 इससे अगर आप हीलियम के एटमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपका हीलियम बाहर निकल गया इसका मतलब यही तो हुआ तो करेंगे क्या जैसे आप यूरेनियम से देखो आपने यूरेनियम का यहाँ पे जो आपका मास नंबर है इसे 234 माइनस 4 किया तो आपको क्या मिलेगा 230 थर्टी हो जाएगा थर्टी मतलब फोर से माइनस फोर हो गया 30. 92 से 2 करेंगे तो बन जाएगा 90. तो अब आप देखेंगे यहां जो आपको ऑप्टेन हुई मतलब वो आपको हुई जिसका एटमिक नंबर है नाइंटी और मास नंबर है टू नाइन टू थर्टी ओके तो ऐसी स्पीसीज आपकी क्या होती है ये होती है टीएच टीएच मतलब थोरियम ओके तो यहाँ पे आपको यूरेनियम किसमें कन्वर्ट हो गया थोरियम में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे ये जो यूरेनियम था जो कि इनिशियली क्या था अनस्टेबल न्यूक्लियाई था इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई थी वो अनस्टेबल थी अल्फा डिके ये किस में हो में हो और यहाँ हीलियम, हीलियम की को निकाल दिया. जो कि है? अल्फा पार्टिकल के इक्वल है तो यहाँ पे जो डिके हुआ वो हमारा कैसा था अल्फा डिके था जिसमें हमारी जो यूरेनियम जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया थोरियम में जिसका न्यूक्लियस क्या है स्टेबल वन है तो यहाँ पे जो डिके हुआ वो आपका क्या हुआ अल्फा डिके हुआ जिसमें हमने अनस्टेबल न्यूक्लियर को कन्वर्ट किया स्टेबल वन में इतनी चीज समझ में तो ये आसान सा फॉर्मेट है आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है ज्यादा यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है तो इतनी चीज समझे अगला बीटा डीके क्या हुआ बीटा डीके आपको क्या बोलता है बीटा डीके में क्या होता है आपको क्या करना होता है देखो ये बोल रहा है ए बीटा पार्ट, बीटा डीके किसके वजह से होगा बीटा पार्टिकल जब आप क्या करेंगे अपने अनस्टेबल न्यूक्लिया से बीटा पार्टिकल को बाहर निकालेंगे पार्टिकल बाहर निकलने के बाद जो स्पेसीज आपको मिलेगी वो स्पेसीज आपकी क्या होगी बीटा डीके के थ्रू ऑप्टेन की गई स्टेबल न्यूक्लियाई आपको मिलेगी ओके तो बीटा डीके में आप करेंगे क्या तो ये बोल रहा है अब बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट पार्टिकल मूविंग इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अंडर गोइंग रेडियो एक्टिव ठीक यानी कि बीटा डीके में क्या आपने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को आपने डीके कराना होता है यानी कि उसे एमिट कराना होगा ठीक है तो होता क्या देखो इसमें आप सिंपल सी इतनी चीज बाइंट पर रखिएगा कि यहाँ पर जब भी आप बीटा डीके कराते हैं उस केस में आपके मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता बट आपका एटमिक नंबर एक माइनस हो जाता है जब भी आप बीटा डीके कराते हैं ठीक है तो ए आपका एज इट इज रहेगा ए में कोई भी चेंज नहीं आएगा जो जेड है यानी कि जो आपका एटमिक नंबर है ये एक इसमें क्या हो जाएगा एक सॉरी इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज नहीं एक इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो होगा क्या देखो आपके पास x आपके पास इनिशियल एक न्यूक्लियई थी एक एटम था इस इसका इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियई थी वो अनस्टेबल थी ओके हमने इसमें क्या किया बीटा डीके इसको हमने स्टेबल करना है बाय बीटा डीके तो हमने क्या किया बीटा में मैंने क्या बोला ए यानी कि मास नंबर एज इट इज रहेगा बट आपके एटमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा तो a और तो एज इट इज है बट जेड में क्या हुआ जेड प्लस वन और आपको यहाँ पे एक नई स्पीसीज मिली वाई तो इस टाइप की स्पीसीज को आप क्या बोलेंगे स्टेबल स्पीसीज यानी कि इस टाइप के एटम को आप बोलेंगे स्टेबल एटम इसके अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी वो आपकी क्या होगी स्टेबल न्यूक्लियाई होगी तो यहाँ पे क्या है तो इलेक्ट्रॉन वाला आता है बट एक ट्रिक के लिए यहां पे आपको ये चीज माइंड पर रखनी होती है कि बीटा डीके के केस के में में मास नंबर कोई चेंज नहीं होता है एटमिक नंबर एक बढ़ जाता है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ एक्जाम्पल के लिए हम लोग पोलोनियम का लेते हैं यानी कि पीओ का एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर क्या होगा जो पोलोनियम है अगर आप इस पोलोनियम का मास नंबर देखेंगे आपको क्या मिलेगा टू

और इस एस्टिडीन एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है वो एक टाइप की स्टेबल न्यूक्लियाई होती है इतनी चीज क्लियर तो यहाँ पे क्या हुआ हमने क्या अनस्टेबल अनस्टेबलियाई को स्टेबल वन में कन्वर्ट किया कैसे किया बीटा डीके गा डिके तो गामा डिखे में क्या होता है कोई भी मास नंबर एटमिक नंबर में चेंज नहीं होता गामा डिके आप लोग क्या बोलता है गामा डिके आपको ये कह रहा है ना कि सपोज आपने क्या आपके पास कोई एक एटमिक न्यूक्लियाई थी जिसमें आपने अल्फा डीके किया बीटा डीके

इसकी एनर्जी स्टिल के बहुत ज्यादा है और आपको पता है अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है इट मीनस ये आपकी अनस्टेबल स्पेसीज हुई और इसको स्टेबल करने के लिए हमको क्या करना होगा इसमें एनर्जी का लॉ इससे एनर्जी बाहर निकालनी होगी यानी कि इसमें इस सिस्टम में क्या है एनर्जी को डिक्रीज करना होगा जैसे एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसमें एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम वाली स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं स्टेबल स्पीसीज तो गामा डिके का यूज तब होता है जब हम लोग कोई अल्फा डिके और बीटा डिके के बाद ऐसे स्पीसीज ऑप्टेन करते हैं जिसकी एनर्जी स्टिल क्या होती है बहुत ज्यादा होती है उसको अपनी एनर्जी को रिड्यूस कराना होगा अपने आप की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए तो यहाँ को हम लोग क्या है गामा डिके का का यूज करते हैं ठीक है थीके? तो यही चीज देखिए यह रहा है एटम डिके एलिमिनेटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल टू फॉर्म न्यू एटम सपोज आपने कोई एक को एटम जनरेट किया एक नया एटम बनाया कैसे बनाया अल्फा और बीटा डिके की बात ओके अब ये बोल रहा है ये जो नया एटम यहाँ पर मिला ये नए एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है इसकी एनर्जी क्या है बहुत ज्यादा स्टिल इसकी एनर्जी क्या है क्या करना होगा इसकी इसकी हो हो तो जो, जो हम डिके यूज करते हैं इससे हम बोलते हैं गामा डिके ठीक है तो गामा जो रे होती है वो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है जिसमें क्या होता है अल्फा और बीटा पार्टिकल के सिमिलर हमको कोई भी एटमिक नंबर और मास नंबर में चेंजेस नहीं देखने को मिलते हम हमको क्या देखने को मिलता है जैसे हमारा X है ये हमारा क्या है अल्फा डिके और बीटा डिके के बाद ऑप्टेन हुई वह स्पीसीज है हमारे पास कोई ऐसा एटम है जो अल्फा डिके और बीटा डिके के बाद हमको ऑप्टेन हुआ है ठीक है अब इस स्पीसीज को क्या है स्टेबल होने में डिफरेंट मतलब इस ये स्पीसीज आपकी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्या है कि इस स्पीसीज के पास क्या है एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है यानी कि इसके पास अगर एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इट मीन एक टाइप की अनस्टेबल है अब इस इसीज को स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं गामा ठीक है क्योंकि यहाँ पे जैसे हम इस सर्फिस से इस टाइप की न्यूक्स से हम लोग गामा रेडिएशन निकालेंगे तो गामा रेडिएशन की बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और जैसे अगर इससे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे देखो इसके मास नंबर और एटमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं है यानी कि स्पीसीज आपकी एज इट इज है एक्स थी आपको एक्स सी मिली और यहाँ पे गामा रे हमने एमिट की और यहाँ जो हम

अब हम लोग अगर उसकी एक्सेस ऑफ एनर्जी को निकाल दें तो वो स्टेबल बन जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं गामा डिके करा सकते हैं तो हमने गामा डिके है क्योंकि गामा में ना एटमिक नंबर में चेंज होता है ना मास नंबर में चेंज होता है बस एनर्जी में चेंज होता है तो हम गामा रे एनर्जी को मतलब गामा रे को हमारे एटम के सर्फिस से निकालेंगे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सर्फिस से निकालेंगे जैसे आप हाई एनर्जी पार्टिकल निकाल देंगे गामा पार्टिकल को निकालेंगे आपके एटम के अंदर जो उसके एनर्जी में रिड्यूस होगा रिडक्शन होगा और जैसे एनर्जी रिड्यूस होगी तो आपकी स्पेसिस क्या बन जाएगी स्टेबल स्पेसिस बन जाएगी स्टेबल न्यूक्लिया बन जाएगी तो वही चीज यहाँ पर को बताएगी है, तो ये तीन टाइप का डिके हम जनरली ऑब्जॉर्व करते हैं ठीक है तो मोस्ट कॉमन डिके ये है आप इसको यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं रेडियो डिके के बाद उसके बाद हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या आपको बोलता है ठीक है तो तो देखो अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं लॉ पर यानी कि रेडियो एक्टिव लॉ है क्या इसके लिए हम इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे ठीक है तो बहुत आसान है आप जो सुनते रहिएगा लॉ आपको क्या बोल रहा है उससे पहले आप यहाँ पर देखिए ठीक है आपको ये ऑरेंज कलर का सर्कल दिख रहा है ये ऑरेंज कलर का सर्कल आपका क्या है मटेरियल है मटेरियल मतलब ये है आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये है आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल ओके okay? और इस रेडियो एक्टिव मटीरियल के अंदर आपको ये डॉट्स देखने को मिल रहा है व्हाइट कलर के ठीक है तो ये व्हाइट डॉट क्या है ये व्हाइट डॉट है आपकी ठीक है जिसे न्यूक्लियां क्या करना है डीके करना है तो ये व्हाइट कलर की क्या है आपकी न्यूक्लियाई ठीक है इतजीज समझे तो सपोज हमने क्या किया ये हमारा सैंपल है एक सैंपल है इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इससे हम बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास एन नंबर की टोटल नंबर मतलब जो एन जो टोटल नंबर की न्यूक्लियाई हमारे सैंपल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो है एन उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से ठीक है अब सुनेगा अब ये लॉ आपको क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू ए रेडियो एक्टिव डिके लॉ वेन रेडियो मटीरियल अंडर गोज अल्फा आपने क्या किया आपने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया और इस रेडियो एक्टिव मटीरियल में डिके बीटा एंड गामा कोई भी डिके, आपने इसमें कराया अगर आप कराएंगे तो आपको पता है क्या होगा इस रेडियो मटीरियल के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो डिके होंगी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो किसमें कन्वर्ट होगी स्टेबल वन में तो अभी हमारे पास एक ऐसा सैंपल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है नंबर ऑफ न्यूक्लिया मतलब एन नंबर की न्यूक्लियाई है कोई काउंट नहीं है एन नंबर की न्यूक्लियाई है तो अब हमको लॉ ऑफ रेडियो डीके हमको ये बताता है कि इन नंबर ऑफ रेडियो डीके में से कितने नंबर की radio, कितने नंबर की न्यूक्लियाई हमारी डीके करेंगी तो देखो लॉ आपको क्या बोल रहा है लॉ आपको ये बोल रहा है द द नंबर ऑफ पर यूनिट टाइम यानी कि पर यूनिट टाइम पे स्पेसिफिक टाइम में आपकी कितने नंबर की न्यूक्लियाई डीके हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सैंपल तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सैंपल मॉलिक्यूल में कितने नंबर की न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ आप जस्ट ये सुनिए ये बोल रहा है ये लॉ आपको ये बोलता है कि अगर सपोज आपने क्या ये सैंपल मॉलिक्यूल लिया सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को हमने एन से रिप्रेजेंट किया ठीक है और इस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में आपने डीके कराया इस पूरे सैंपल मॉलिक्यूल में आपने डीके कराया एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ठीक है तो उस स्पेसिफिक टाइम में इस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में से कितने नंबर की न्यूक्लियाई डिके होंगी वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपके सैंपल में न्यूक्लियाई कितनी प्रेजेंट है ठीक है जितनी ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है न्यूक्लियाई तो प्रेजेंट है ये पूरा सैंपल मॉलिक्यूल है इसमें एन नंबर के डॉट्स प्रेजेंट है यानी कि एन नंबर की न्यूक्लियाई प्रेजेंट है बट उन नंबर की न्यूक्लियाई में से सिर्फ डेल्टा एन नंबर की न्यूक्लियाई हमारी क्या गई डिके की कितने टाइम पे डेल्टा टी टाइम पे ठीक है तो लॉ हमको क्या बोलता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डिके तो कितने नंबर की न्यूक्लियाई हमने डिके की कितने नंबर की न्यूक्लियाई अंडरगोज डिके डेल्टा एन नंबर की न्यूक्लियाई अंडरगोज डिके ठीक है कितने टाइम पे पर यूनिट टाइम और पर यू हमारा क्या है डेल्टा टी यानी कि पर यूनिट टाइम कितना है डेल्टा टी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है एन तो ये जो इक्वेशन हमको यहाँ पर डिराइव हुई यही इक्वेशन आपको कौन बताता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके यानी कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ हमको यही चीज ये इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि, N N, कि कि डेल्टा डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कितने नंबर की न्यूक्लियाई में डिके हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सैंपल में कितने नंबर की न्यूक्लियाई है अगर सैंपल में ज्यादा नंबर की न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी तो उतना ही ज्यादा हमारा रेडियो एक्टिव डिके होगा न्यूक्लियाई का अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे सैंपल मॉलिक्यूल में कम होगी तो उतना ही कम हमारा रेडियो एक्टिव डिके होगा क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डीके है का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ में 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 जितना ज्यादा ज्यादा आप अपने सैंपल सैंपल बढ़ाएंगे उतना ही हमारे मॉलिक्यूल डिके होगा यही बात आपको बोलता है रेडियो एक्टिव डिके लो आसान था तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा गया है कि देखो ये थ्योरी तो आप पढ़ ली अब बोल रहा है सो इफ अगर ये कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर एन हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सैंपल और

कर दिया तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हमने इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पर को कांस्टेंट लगाया डेल्टा लेमडा लेमडा एन तो हमें ये इक्वेशन कैसे मिल गई कुछ ऐसी यानी कि डेल्टा एन अपॉन देखो ये था डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी ये कांस्टेंट का साइन हटा इसमें हमने लगा दिया कांस्टेंट लेमडा और इनटू एन तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पर को ऑप्टेन हुई इससे हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट ओके और यहाँ पे जो हमारा लेमडा है इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डी के कॉन्स्टेंट या फिर डिस कांस्टेंट इतनी चीज क्लियर आई तो ये हमारा कांस्टेंट है ठीक है अब इसी के साथ हमने इक्वेशन डिराइव करनी है तो अब आगे बढ़िए अब हमसे क्या बोल रहा है ठीक है तो देखो अब ये क्या बोल रहा है अब ये बोल रहा है नाउ द चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्ई इन अ सैंपल अब आपने चेंज निकालना यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालना ठीक है तो आप एक चीज बताइए रेट ऑफ चेंज को आप कैसे लिखते हैं आपको पता है रेट ऑफ चेंज को आप लिखते हैं डी एन अपॉन डी टी यही तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इसका मतलब क्या हुआ ये बता रहा है कि आपकी न्यूक्लियाई में जो चेंज आया रेट ऑफ चेंज आप कैसे निकालेंगे डी एन अपॉन डी टी के इक्वल निकालेंगे ये होगा आपका रेट ऑफ चेंज ठीक है तो ये किसके होगा? आपने इसकी वैल्यू तो ये क्या बोल रहा देखो, आपने क्या किया? आपके पास total number of nuclei थी ओके? Okay? और उस टोटल नंबर ऑफ एन न्यूक्लियाई में जब आपने डी कराया तो कितने नंबर की न्यूक्लियाई डीके हुई मतलब कितने नंबर की न्यूक्लियाई में चेंज हुआ तो कितने नंबर की न्यूक्लियाई में चेंज हुआ डेल्टा एन नंबर की न्यूक्लियाई में चेंज हुआ

लेमडा के इक्वल है तो यहाँ पे आपने निकाला था ये किसके इक्वल है लेमडा के इक्वल है तो आप देखो ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं बट ये दोनों इक्वल तो है बट डिफरेंस किसका है एक नेगेटिव का साइन यहाँ पर एड हो रखा है तो अगर हमने रेट ऑफ चेंज निकाला और हमको पता है ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों वैल्यू भी तो आपस में इक्वल होंगी समझ मा रहा है ये दोनों तो मतलब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो हमको पर्टिकुलरली रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं डेल्टा एंड अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्योंकि ये वैल्यू ये वैल्यू इसके इक्वल है माइनस में इक्वल है तो ये वैल्यू भी क्या होगी माइनस में इक्वल होगी तो यहाँ पर होगा माइनस आई ना तो ये हमको ये हुई, समझ में आया ना कैसे अभी देखो हमको पता है रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या होता है डी एन अपॉन डी टी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने थे एन थे और डीके कितने चेंज कितने में आया डेल्टा एन में आया कितने टाइम पे आया डेल्टा टी में आया तो हम रेट ऑफ चेंज किसके किसकेक्वल लिखेंगे डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी वो भी किस में नेगेटिव ना, में क्योंकि यहाँ पे डिके हुआ है इतनी चीज क्लियर आई और हमको पता है हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी ये किसके इक्वल होता है लेमडा एन अगर ये माइनस में है तो ऑब्वियसली बात है चलो मैं इसको भी माइनस में कर लेती हूँ क्योंकि ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा क्योंकि इसकी वैल्यू आपस में इसके इक्वल है तो अगर ये माइनस ये भी माइनस तो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है तो अब मुझे क्या करना है अगर सिर्फ पर्टिकुलरली रेट ऑफ चेंज लेना है यानी कि सिर्फ मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी ये वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू इसके इक्वल भी है ये वैल्यू इसके इक्वल भी है तो मुझे ये नहीं चाहिए मैं कह रही हूँ ये वैल्यू मैं इसके इक्वल ले रही हूँ यानी कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी को किसके इक्वल लिख दिया माइनस इन टू एन के इक्वल ले लिया तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी आई डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन इतनी चीज क्लियर आई तो ये इक्वेशन मेरी यहाँ डिराइव हुई अब इस इक्वेशन को मैं फर्दर और सोल्व कर सकती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं इस एन को नीचे ले लू एन एन को एक साइड ले लू और डी टी को ऊपर कर दू तो मुझे क्या मिलेगा ये मिलेगा डेल्टा एन सॉरी डी एन और नीचे क्या मिलेगा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा और यहां पर मिलेगा डी टी तो देखो इक्वेशन क्या हुआ dn एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू डी चीज क्लियर अब मैं इरेज कर सकती हूँ तो देखिए मैंने इसे इरेज कर दिया अब देखो ये इक्वेशन हमको यहाँ पर को ऑप्टेन होगी ये हुआ रेट ऑफ चेंज ओके अब हमको फाइनल इक्वेशन निकालनी है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का हमने इक्वेशन डिराइव करनी है तो इक्वेशन के लिए अब हमको फर्दर इसमें क्या करना होगा इंट्रीगेशन ठीक है तो अब हमने इंट्रीगेशन तभी हमने किया सेम सेम चीजों को सेम साइड पुट कर दिया हमने अब फर्दर इंट्रीगेशन करना है तो अब हमने इंट्रीगेशन किया नाउ इंट्रीगेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन

यहां पे लिया आपने t इसे रिड्यूस कहां से कहां किया आपने t से जीरो ओके? उसके बाद आप फर्दर इसमें रिडक्शन करेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं मैं इसे लॉग करके लिख देती हूँ तो आप क्या लिखेंगे log n माइनस लॉग एन जीरो तो आपने लिखा log n माइनस लॉग एन जीरो इज इक्वल टू लेमडा आपने कहा से लिया माइनस लेमडा आपने कहा से कहा लिया

कुछ ऐसी मिली इसे मैं बोल सकती हूँ तो देखो मेरी इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या होगी लॉग एन अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी ओके तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ डिराइव हुआ अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लगा दूंगी यानी कि लॉक की प्लेस पे ठीक है तो होगा क्या यहाँ से लॉक जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ई लग जाएगा तो देखो यही चीज है इसमें जब हमने एक्सपोनेंशियल लगा दिया तो अपॉन किसके इक्वल हुआ e पे क्या हुआ माइनस एज इट इज रहा अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमें मिली है इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस एन जीरो को मैं और इसके ऊपर भेज दू तो मुझे क्या मिलेगा एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा एन जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी तो ये जो इक्वेशन हमको यहां पर ऑप्टेट हुई इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के तो ये इक्वेशन फोर्स जो हमको यहाँ डिराइव हुई है ये है हमारी इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डी ठीक है तो आसान थी छोटी सी इक्वेशन है थोड़ा बताने में टाइम लगा बट इक्वेशन बहुत सिंपल है ठीक है तो आपने दो चार स्टेप ही फॉलो करना है रेडियो एक्टिव डिके का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपने रेडियो एक्टिव डिके का फॉर्मूला बनाया कि रेडियो एक्टिव डिके आपको ये बोलता है कि जितने नंबर का न्यूक्लियाई आपकी डिके हुई है पर यूनिट टाइम पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो उससे हमको क्या मिला हमने रेट ऑफ चेंज निकाला रेट ऑफ चेंज निकालने के बाद जस्ट इंट्रीगेशन 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 किया उसके बाद हमने लॉग हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल लिया एक्सपोनेंशियल लिया तो हमको फाइनली हमारी एन की इक्वेशन मिल गई तो ये जो हमारे एन की वैल्यू यहाँ पर मिली है इक्वेशन नंबर फोर्थ पे ये इक्वेशन भी हमारी क्या होती है रेडियो एक्टिव डीके लॉ की इक्वेशन और इसको ही हमने यहाँ पर डिराइव करना होता है ओके okay? तो ये हमारा जो बना ये था हमारा रेडियो एक्टिव डीके लॉ और उसकी इक्वेशन ठीक है तो ये हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड इसकी इक्वेशन को एक्सप्लेन किया अगली जो हमारा लेक्चर बनेगी उस पर हम बात करेंगे गीगर नटल लॉ पे रूल पे हम बात करेंगे या फिर आप गाइगर नटल लॉ भी बोल सकते हैं तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे अभी जस्ट हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय